फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और आज बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन करने जा रहे हैं। ई टू द पावर एक्स माइनस वन में आप देखिए कि स्क्वायर रूट लगा है, जो कि हमें एक प्रॉब्लम सी लगती है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ई टू द पावर एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर ले सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो ई टू, चाहे तो आप ऐसा लिख के कर दें, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वन और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो जैसे y स्क्वायर का 2y dy by dx होता है, वैसे t स्क्वायर का 2t dt by dx होगा। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो आप इसको लिख सकते हैं 2t dt अपॉन e टू द पावर x इज इक्वल टू dx। ध्यान से सुनिए, e टू द पावर x को लेफ्ट साइड में क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल dx है। तो dx की वैल्यू हो गई 2t dt अपॉन e टू द पावर x। पर एक प्रॉब्लम है कि ये सारी वैल्यूज x की टर्म्स में नहीं है, इसमें t की टर्म्स में नहीं है, इसमें e टू द पावर x भी आ गया। तो e टू द पावर x आ गया, तो इसको हटाने के लिए आप यहाँ से e टू द पावर x का वैल्यू यहाँ पर ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास 2t अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 dt इज इक्वल टू dx। ये dx का वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर द इंटीग्रल आई विल बी व्हाट, आई की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दें, तो रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू वहाँ से लिख लें, तो टू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब इसमें से ये टू बीइंग अ कांस्टेंट बाहर ले लें, और रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी, तो टी इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। ये हो जाएगा आपका ट्वाइस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1 कर दें, या फिर जैसा लॉन्ग डिवीजन से आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से लॉन्ग डिवीजन वाली मेथड से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी डिग्री के इक्वल है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब आप इस इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे, तो एक इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर देंगे। कैसे सेपरेट करके डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब दो पार्ट में तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल 1। अब 1 का इंटीग्रल यू नो विद रिस्पेक्ट टू टी इज टी, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट इज टेन इनवर्स टी, बिकॉज दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स टी, प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। आपको मालूम होगा कि 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स। तो 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू डी टी, 1 इंटू दिस डी टी विल बी वॉट टी, माइनस इसका इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है टेन इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स होता है, प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट लगा दिया सी। अब एट द लास्ट अब टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो टी का वैल्यू यहाँ से देख लें आप, टू ब्रैकेट टी का वैल्यू देखेंगे रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 माइनस टेन इनवर्स टी का वैल्यू देखेंगे रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1 और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। तो फाइनली दिस इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, मीन्स दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसका सोल्यूशन है। आपको होपफुली समझ में आया होगा। अब हम दूसरा एक इंटीग्रल देखते हैं, वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन वो मान लीजिए कि इस तरह से लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस 1, या आप समझ ले कि इस तरीके से नहीं लिखा है, इस तरीके का लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इसको इंटीग्रेट करिएगा इसी टेक्निक से। वैसे इसके लिए एक दूसरा टेक्निक भी है, और ये टेक्निक से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, और वो दूसरा टेक्निक क्या है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू पीपल दैट यू विल इंटीग्रेट दिस, और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डाउट कंफ्यूजन एनीथिंग यू कैन राइट टू मी। और अब हम इसे देखते हैं बिना समय बर्बाद किए।
तो यहाँ पे हम 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को क्या लिख लेंगे, टी स्क्वायर। ये मैंने आपके लिए दे दिया है, इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, द क्वेश्चन इज दिस, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को टी स्क्वायर लिया, फिर इसी तरीके से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी स्क्वायर को 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, और 2t dt by dx इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का 0 माइनस ई टू द पावर एक्स का माइनस ई टू द पावर एक्स। तो हमारे पास है केवल, ध्यान से देखें, यही सॉरी dx शुड बी देयर, तो dx है केवल, तो dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस भी इधर भेज देंगे, माइनस 2t dt और अपॉन में आप भेज दीजिए ई टू द पावर एक्स को, यहाँ पर आपका आ जाएगा dx, जैसे हमने वहाँ पर किया था, ई टू द पावर एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो e टू द पावर x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, e टू द पावर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, e टू द पावर x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx, ये आपका आ गया माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt dx। अब ये जो सारी वैल्यूज है वो इसमें ले जा करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस ई टू द पावर x को ये रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आप ध्यान से सुनिए, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये जो इसका माइनस कॉमन लेके इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें, 1 अपॉन t, यहाँ पे लिख दें आप 2t माइनस 2t, यहाँ लिख देंगे आप टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ लिख दीजिए आप dt, तो ये माइनस, ये जो सॉरी माइनस कॉमन यहाँ से लिया इसको लिखेंगे, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 बाहर 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो इसका इंटीग्रल आपको याद होगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल, ओके, एक ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का वैल्यू रखना था हमें 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका इंटीग्रल है। तो इसी तरीके से इसका इंटीग्रल क्या होगा वो भी देख लेते हैं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, तो 2 इज देयर इन टू 1 अपॉन 2a, तो 1 अपॉन 2 इन टू 1, बिकॉज a इज वॉट, a इज दिस 1 लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी, बेस इसका e रहेगा, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी। अब t का वैल्यू, तो हमने 1 माइनस क्या रखा था, 1 माइनस ई टू द पावर x को टी स्क्वायर लिखा था, तो जो हमारे पास इसका वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, t का वैल्यू होगा हमारे पास log ऑफ t का वैल्यू होगा रूट ओवर 1 माइनस ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में आएगा रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर x प्लस 1 बेस e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये इसका इंटीग्रल आ गया, लेकिन इसको जो दूसरी मेथड से करते वो भी मेथड मैं बताऊंगा, फिर दोनों आंसर मैं मैच भी कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा जो दूसरा इसका मेथड है वो दूसरा मेथड क्या है, ये तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन कैसे होंगे ये डिपेंड करेगा उस पर, तो आप दूसरा मेथड भी देख लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर, हमारे पास था 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, इस केस के लिए दूसरा मेथड आप देख रहे हैं, रूट ओवर इसमें कॉमन ले लेंगे ई टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स, दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स,
और यहाँ पे स्क्वायर रूट अलग कर दें, वन अपॉन रूट, इसको वन अपॉन ई टू द पावर एक्स को लिख देंगे ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, दोनों के स्क्वायर रूट्स अलग कर दिए। अब दोनों के जब स्क्वायर रूट्स अलग कर दिए हैं, फिर उसके बाद आप लिखें I इज इक्वल टू वन अपॉन, ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x का स्क्वायर रूट है e टू द पावर x होल टू द पावर वन बाय टू, और दूसरे केस में लिख सकते हैं आप e टू द पावर माइनस x बाय टू इंटू टू माइनस वन, e टू द पावर माइनस x बाय टू इंटू टू माइनस वॉट माइनस वन, क्यों ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या लिख दिया हमने e टू द पावर x होल टू द पावर वन बाय टू, कौन सा लॉजिक लगाया, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन e टू द पावर x बाय टू, और यहां पर हो जाएगा ध्यान से देखिएगा रूट ओवर e टू द पावर माइनस x बाय टू का स्क्वायर, इस लॉजिक से माइनस वन स्क्वायर। इस आंसर को आपको साइड में रखना है, लॉग ऑफ दिस मच। चलिए अभी मैं इसको ब्रैकेट में, सर को मैं ब्रैकेट में रखता हूं ताकि हम लास्ट में इनको दोनों को आपस में मैच करा पाए। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू द पावर एक्स बाय टू इज ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, डी एक्स इज ऑलरेडी देयर, डी एक्स इज ऑलरेडी देयर, तो डी एक्स हर स्टेप में होगा, डी एक्स होगा, डी टी होगा, डी यू होगा, कुछ दूसरी चीज होगी पर होगा जरूर, और अपॉन में आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू स्क्वायर माइनस वन। अब e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू को t रख देंगे, e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू को t रख देते हैं तो देखिएगा क्या होने वाला है। तो e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू को t रख देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव चेक करते, देखिएगा e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू को t रख दिया तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू का e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, माइनस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर का भी डेरिवेटिव होगा माइनस एक्स बाय टू का, तो माइनस एक्स बाय टू का डेरिवेटिव इस तरीके से होगा डी डी एक्स ऑफ माइनस एक्स बाय टू, माइनस एक्स बाय टू को आप लिख सकते हो इस तरीके से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन बाय टू, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन बाय टू, ये डेरिवेटिव है इसका पावर का। अब हमारे पास है ऊपर e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स, तो डी एक्स को इधर भेज दें, माइनस टू को इधर भेज दें, माइनस टू डी टी ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स, तो हमारा जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा दिस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टू डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो माइनस टू डी टी अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और अब ध्यान से देखिए वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा माइनस, ओ माय गॉड सॉरी इसमें क्या गड़बड़ कर दी, टू डी टी शुड बी दिस माइनस टू डी टी, टी इज नॉट देयर, आप देख सकते हैं मैंने गलती से लिख दिया था, तो ये हो जाएगा माइनस टू लॉग ऑफ टू, एक वेट 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 फॉर अ वाइल, थोड़ी कोई गड़बड़ हो गई, ओके एवरीथिंग इज ऑल राइट, लॉग ऑफ यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस वन बेस ई बेस ई, तो ये इंटीग्रल आ गया। अब टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू है आप देख सकते हैं टी इज ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस टू लॉग ऑफ ब्रैकेट टी का वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू, तो ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस रूट ओवर ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू स्क्वायर माइनस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, और बेस इसका क्या है, बेस इसका ई है, तो बेस का कोई इश्यू नहीं है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये जाएगा माइनस टू लॉग ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस, ध्यान से देखिएगा इसको सिंपली, इसको ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसेस से, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स
माइनस वन। अब ये आपके पास फाइनल इंटीग्रल आ गया इसका। तो एक ही क्वेश्चन दो अलग अलग तरह के आंसर, देखिए ये आंसर और ये आंसर, बोथ आर लुकिंग डिफरेंट बट दे आर सेम। ये दोनों सेम है पर दिखने में कितने अलग हैं, इतने अलग अलग हैं कि एक क्लास ट्वेल्थ का स्टूडेंट एकदम से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये दोनों आंसर्स सेम है। तो लेट्स ट्राई टू प्रूव कि हाउ दे आर सेम। हम इसको ये बात की कोशिश करते हैं कि हाउ दीज टू आर सेम। तो इसके लिए एक मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो ये दोनों में से ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट लुक्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू दिस। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म दिख रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये दोनों सेम कैसे हैं। तो लेट अस सी हाउ दे आर सेम। तो टू मेक दीज टू आर सेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है। तो माइनस के लिए इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम इसको रैशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर को। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई, ये कंफ्यूजिंग बात हो गई कि न्यूमरेटर को क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर को क्यों नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर माइनस है, अगर हम चाहते हैं कि इसको और इसको एक जैसा बना दें, एक जैसा दिखा दें, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए। माइनस जब होती है या तो इसको आप रैशनलाइज करो या फिर एक प्रॉपर्टी में बोल देता हूँ आप उसको यूज़ कर लो। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी इस तरह की है, लॉग ऑफ वन बाय एक्स बेसी, बेस कोई भी हो, इसको लिख सकते हैं लॉग वन बेसी माइनस लॉग एक्स बेसी। लॉग वन इज जीरो, ये हो जाएगा आपका माइनस लॉग एक्स। तो प्रॉपर्टी क्या बनी, प्रॉपर्टी ये बनी, ये बन गई आपकी प्रॉपर्टी। क्यों ऐसा, क्यों बार बार कोशिश कर रहे हैं ये क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिख रहा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम दोनों मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जैसा बनाना है और उसमें माइनस है, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस है। तो माइनस के लिए हम इसमें क्या करें, इसमें ये प्रॉपर्टी लगाएं। तो माइनस जैसे इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर जो कंटेंट होता है, एक्स होता है, वो इन्वर्ट हो जाता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, जब हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये भी उल्टा पलटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वन प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन में हो जाएगा रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। तो ये इस तरीके से हो गया। आप इसको दूसरे भी ढंग से समझ सकते हैं, माइनस वाली बात को, माइनस लॉग एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू लॉग एक्स, और फिर इस माइनस वन को पावर में ले जाएं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ वन अपॉन एक्स। तो कई तरीके से एक ही चीज़ को समझा जा सकता है। तो बस अब कहने का मतलब है कि अंदर की चीज़ अगर उल्टी होगी तो बाहर माइनस आएगा, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर की चीज़ फिर से वापस वैसी हो जाएगी। अब रैशनलाइज करेंगे, तो अब मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने वाला कॉन्सेप्ट आइडिया हटा देता हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो नो प्रॉब्लम, तब आप कर सकते हो, दैट कैन बी डन। कि न्यूमरेटर को रैशनलाइज करो तो आपको बहुत आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। माइनस ओके, इसको रहने देते हैं, यहां से लिख, ये खास चीज है, आप ये ध्यान रखिए। माइनस, आप इंटीग्रल के बहुत शौकीन होंगे तो आप जरूर से पसंद करेंगे इसको और सीखेंगे तो मजा भी खूब आएगा आपको। अब आपके पास ओके, एक और भी गड़बड़ है यहाँ पे, समथिंग इज ओके। यहाँ पर हमारे पास शायद से टी था वो, तो टी का वैल्यू, ये भी वन माइनस आएगा, ये वैल्यू भी वही आएगा, ये वैल्यू भी वही आएगा, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। तो ये यहाँ पे भी आपके पास वन माइनस ही होगा, आप इसको नोटिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास t माइनस वन अपॉन टी प्लस वन आया था, t का वैल्यू, तो हमने ध्यान से, आपको याद होगा, वन माइनस ई एक्स को हमने रखा था, वन माइनस ई एक्स को टी स्क्वायर रखा था, तो हमारे पास यहाँ t आया, तो t की वैल्यू रूट वन माइनस ई एक्स, दोनों तरफ ऐसी ही वैल्यूज आएंगी। तो ये आ गया आपके पास, देखिएगा वन माइनस ई एक्स, अब रैशनलाइज करते डिनोमिनेटर को, तो वन माइनस ई एक्स रूट वन माइनस ई एक्स प्लस वन, और मेरे सामने कोई होता नहीं है इसलिए कभी कभी लिखने में कोई
प्रॉब्लम वो गड़बड़ भी हो जाती है, तो नेवर माइंड, ये प्लस वन होल अपॉन और रूट ऑफ वन माइनस सी एक्स माइनस वन और रूट ऑफ वन माइनस ई एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस वन, ये कर दिया प्लस सी, प्लस सी इज देयर। अब ध्यान से देखिए माइनस लॉग, यहाँ पर आपका ए ये तो होल स्क्वायर हो गया, तो ये रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा रूट वन माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस वन स्क्वायर और मॉड प्लस सी माइनस लॉग, ये हो जाएगा आपका वन रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर वन माइन, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटा देंगे, वन माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वन, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये फिर से आप समझ लें, ये माइनस वन और ये प्लस वन आपस में कैंसिल हो गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखें आप, अब इसमें क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं आप माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज देयर, और ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ माइनस है ई टू द पावर एक्स में, तो ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा, तो माइनस आपका प्लस बन जाएगा, तो वो एक इश्यू आपका खत्म हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ई टू द पावर एक्स बाय टू होल स्क्वायर, तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो वापस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब आप लिखेंगे माइनस, इसके जैसा बनाना है हमें, देखिए अब आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वन, और ध्यान से देखिएगा ई टू द पावर एक्स बाय टू होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है, ये होल स्क्वायर है, ये टू यहाँ आ सकता है क्योंकि अब ये होल स्क्वायर है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से ये टू इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा माइनस टू लॉग रूट ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स बाय टू, ई टू द पावर एक्स बाय टू। अब इस ई टू द पावर एक्स बाय टू को प्लस सी इज देयर, तो डू नॉट फॉरगेट प्लस सी इज देयर। अब आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस ई, इस ई टू द पावर एक्स बाय टू को सेपरेट कर दें, तो ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स बाय टू, ई टू द पावर एक्स बाय टू मीन्स ई टू द पावर एक्स होल टू द पावर वन बाय टू प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स बाय टू प्लस सी। इसको क्या लिख सकेंगे आप, इसको लिख सकेंगे माइनस टू लॉग बेस ई रूट ओवर, ध्यान से देखिए रूट ओवर वन माइनस ई टू द पावर एक्स, और ये भी रूट में ही है ई टू द पावर एक्स, पर इसको ऊपर ले लीजिए, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो ये जाएगा ई टू द पावर एक्स बाय टू, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव माइनस सी, तो सॉरी प्लस सी, ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस सी माइनस टू लॉग। अब आ गया हमारा बेस ई, इसको इसके अंदर पहुंचा दे तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस, प्लस क्या जाएगा आपके पास ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस सी, और एट द लास्ट आप देखें, अब इसमें सेपरेट करेंगे हम, और आपको अब दिख गया होगा कि हमारा आंसर सेम है, माइनस टू लॉग, बड़ा अच्छा था इसका कॉन्सेप्ट, वन बाय ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स बाय ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस सी। तो ये देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से
वो दोनों आंसर्स सेम थे, पर केवल हमको दिख नहीं रहा था कि वो दोनों सेम है। ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, ऊपर गई पावर, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस वन प्लस e टू द पावर माइनस एक्स बाय टू प्लस सी एंड सी इन दिस वे वी आर डन। ये दोनों एक जैसे हैं, कितना अटपटा और कितना, देखिए ये इसके जैसा हो गया और ये इसके जैसा हो गया, आगे पीछे लिखे हुए दोनों सेम है। तो आपने और हमने मिल के देखा कि ये दोनों आंसर सेम थे और कितना अलग अलग तरीके से इन दोनों को इंटीग्रेट किया, और एट द लास्ट वी फाउंड दैट इंटीग्रल्स ऑफ बोथ द इंटीग्रल्स मीन्स इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बोथ द इंटीग्रल्स आर सेम, बोथ द मेथड, जो दोनों हमने मेथड यूज़ की और दोनों से हमारा सेम आंसर आया। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, इसी तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप निकाल सकते हैं, उनके सल्यूशन निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप पढ़ें, देश आगे बढ़ेगा। तो मेरी बेस्ट विशेस है, खूब पढ़ें, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसे करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बेस्ट विशेस है आपके साथ, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।